हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम को रेलवे की भाषा में टेलीकॉम मेंटेनर TCM के नाम से जाना जाता है। दोस्तों TCM जो होते हैं वो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो रेलवेज का है उसके अंडर में आते हैं। दोस्तों आज हम सबसे पहले देखेंगे TCM के जॉब प्रोफाइल के बारे में, फिर हम TCM के सैलरी स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे एंड आखिरी में हम प्रमोशन एवेन्यूज ऑफ TCM को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में। फ्रेंड्स जॉब प्रोफाइल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे TCM की एक्टिविटीज़ के बारे में कि TCM को क्या क्या एक्टिविटीज़ करना होता है डे टू डे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक स्टेशन पे कितने TCM पोस्टेड होते हैं और फाइनली हम देखेंगे कि TCM की ड्यूटी आवर्स क्या होती है। तो आइए देखते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में। दोस्तों TCM जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा TCM इज़ टेलीकॉम मेंटेनर, दैट मीन्स कि जो भी कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है रेलवेज़ का उसको मेंटेन करने का काम TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। दोस्तों कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ट्रेन रनिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो, और उसमें तीन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं। दोस्तों पहला है कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशंस, दो स्टेशंस के बीच में जो स्टेशन मास्टर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या कम्युनिकेशन अरेंजमेंट रहता है, उसको मेंटेन करने का काम TCM करता है, तो उसको हम देखेंगे। दूसरा होता है दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन एंड कंट्रोल रूम। नॉर्मली कंट्रोल रूम ही स्टेशन मास्टर को कन्वे करता है कि कौन सी ट्रेन को सिग्नल देना है, कैसे मूव करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, तो इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है। तीसरा होता है दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और स्टेशन मास्टर एक दूसरे से वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा ड्राइवर जो है गार्ड से भी कम्युनिकेशन करता है थ्रू वॉकी टॉकी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है। तो इन तीनों का जो मेंटेनेंस है, इन तीनों के जो एसेट्स हैं उसको देखने का काम TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। पहला देखते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशंस। दोस्तों दो स्टेशंस के बीच में टेलीफोन्स लगे रहते हैं जिसके थ्रू स्टेशन मास्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं, तो इन दो टेलीफोन्स का मेंटेनेंस प्लस जो कम्युनिकेशन मीडिया है इसका मेंटेनेंस का काम TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। उसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेशन एंड कंट्रोल रूम के लिए दोनों एंड पे टेलीफोन्स लगे रहते हैं, कंट्रोल रूम में भी और स्टेशन पे भी डेडिकेटेड टेलीफोन रहता है, तो इसको भी मेंटेन करने का काम TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। इस दोनों कम्युनिकेशन मीडियम के लिए दोस्तों स्टेशन पे एक छोटा सा एक्सचेंज रूम होता है जिसमें मल्टीप्लेक्सर्स और जितने भी स्विचेस लगे रहते हैं इनके थ्रू ही दो स्टेशंस या कंट्रोल रूम के साथ कम्युनिकेशन अचीव होता है। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर और स्टेशन मास्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो VHF सेट्स के थ्रू होता है। VHF एंटीना सभी स्टेशनों पर लगे रहते हैं और उन एंटीनों से ही कम्युनिकेशन होता है ड्राइवर और स्टेशन मास्टर के बीच में। दोस्तों अब आइए देखते हैं एक छोटा सा जो एक्सचेंज रहता है स्टेशन पर वो किस तरह का अरेंजमेंट रहता है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं एक एक्सचेंज पे, उसको हम देखने का कोशिश। स्टेशन पे लगे एक्सचेंज में घुसते ही दोस्तों एक टेबल चेयर रहता है जिसमें टेलीफोन्स लगे रहते हैं TCM के लिए। उसके अलावा यहाँ एक मल्टीप्लेक्सर टाइप का इक्विपमेंट रहता है, देख सकते हैं आप, एक बड़ा सा मास्क रहता है। उसके राइट हैंड साइड में स्विचेज रहते हैं और इन दोनों को ड्राइव करने के लिए एक पावर सप्लाई इक्विपमेंट रहता है। पावर सप्लाई में मोस्टली एक UPS रहता है जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहता है, नॉर्मली अमर राजा कंपनी के यूज करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा बैटरीज रहते हैं इसको रन करने के लिए, इनकेस अगर सप्लाई चली जाती है तो बैटरीज पे इक्विपमेंट टोटल रन करता रहता है। तो टोटल ये एक तरह से रूम रहता है इनका। दोस्तों TCM की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मेंटेनेंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड वॉइस कम्युनिकेशन ओवर स्टेशंस एंड डिवीजन। दोस्तों बड़े स्टेशनों पे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, उन सभी ऑफिसेज में टेलीफोन्स एंड जो कनेक्टिविटी रहता है इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह, तो इन सभी को देखने का काम भी TCM करते हैं। इसके लिए बड़े एक्सचेंजेस लगे रहते हैं, OFC हट रहता है, तो इन सभी का मेंटेनेंस TCM ग्रेड 3 करता है। दोस्तों TCM ग्रेड 3 की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मेंटेनेंस ऑफ एक्सचेंजेस। नॉर्मली एक्सचेंज सभी स्टेशन जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ इंस्टॉल रहते हैं और जितने भी कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है, जितना भी नेटवर्किंग अरेंजमेंट है, उन सभी का जो हार्ट रहता है वो एक्सचेंज होता है। दोस्तों यहीं से सभी पावर सप्लाई वगैरह है, सभी का जो डेटा है वहीं से ड्राइव होता है, तो इसका ही मेंटेनेंस TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। उसके अलावा TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम की चौथी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ PA सिस्टम। PA सिस्टम इज़ बेसिकली पब्लिक एड्रेस सिस्टम। नॉर्मली जो बड़े स्टेशंस होते हैं दोस्तों वहाँ जो अनाउंसमेंट होता है उसके लिए बड़े स्पीकर्स लगे रहते हैं
और एक पूरा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, तो इसको मेंटेन करने का काम भी TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है दोस्तों। इसके अलावा TCM ग्रेड 3 की पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स। नॉर्मली जो बड़े स्टेशन होते हैं दोस्तों, वहाँ डिस्प्ले बोर्ड्स लगे रहते हैं। जब भी आप स्टेशन पर इंटर करते हैं, जो कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कितनी लेट आ रही है, उसका इन्फॉर्मेशन एक डिस्प्ले बोर्ड में रहता है। इसके अलावा हर प्लेटफॉर्म पर एक कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड होता है दोस्तों। इसमें जब ट्रेनें आती हैं तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन से कोच किस पोजीशन पे आएगा, वो उससे कोच गाइडेंस डिस्प्ले से पता चल जाता है। तो इसका भी जो मेंटेनेंस होता है और इसका जो भी सिस्टम एंड नेटवर्किंग है, उसका मेंटेनेंस भी TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। उसके अलावा जो छठी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम की, वो है दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ CCTV कैमराज। नॉर्मली जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पे CCTV कैमरेज लगे रहते हैं दोस्तों। आपका जितने भी स्टेशंस के एसेट्स हैं वो वहाँ CCTV कैमरे से मॉनिटर किया जाता है, और इसका जो डिस्प्ले रहता है वो नॉर्मली RPF जो यूनिट रहता है या GRP यूनिट रहता है रेलवे का, उनके पास इनका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू डिस्प्ले बोर्ड। इसके साथ CCTV कैमरेज का जो नेटवर्किंग है, जो स्विचेज लगे हुए हैं, उनको भी TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम मेंटेन करता है। इसके अलावा दोस्तों सातवीं सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है TCM की, वो है मेंटेनेंस ऑफ टेलीफोन्स इंस्टॉल्ड एट लेवल क्रॉसिंग गेट्स। जितने भी रेलवे में लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं दोस्तों, रेलवे फाटक होते हैं, वहाँ टेलीफोन्स लगे रहते हैं, जिससे गेटमैन जो है स्टेशन से कम्युनिकेशन करता है कि कब उसको कौन सा गेट बंद करना है, कौन सा खोलना है। तो इसके लिए टेलीफोन्स लगे रहते हैं। नॉर्मली सभी गेटों पे दो दो टेलीफोन लगे रहते हैं। अगर एक टेलीफोन से बात नहीं होती है तो कभी कभी स्टैंड बाई टेलीफोन की भी यूज़ कर लेता है गेटमैन। तो इसका भी मेंटेनेंस TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। इसके अलावा दोस्तों आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम की एक्टिविटी है, वो है प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन अरेंजमेंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स एंड अनयूजुअल्स। नॉर्मली दोस्तों रेलवे में कभी कभी एक्सीडेंट्स या कोई अनयूजुअल घटना हो जाती है, तो इन सब केसेस में कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी वहाँ का स्टाफ होगा तो उसे कम्युनिकेशन अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो वो प्रोविज़न का काम TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है दोस्तों टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। जब भी कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, जब भी कोई अनयूजुअल्स होता है, तो वहाँ कम्युनिकेशन अरेंजमेंट प्रोवाइड करने का काम TCM या टेलीकॉम ग्रेड 3 टेलीकॉम करता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम के मेजर एक्टिविटीज़। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम के ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं। नॉर्मली अगर एक छोटा स्टेशन है तो वहाँ मॉर्निंग 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक ड्यूटी आवर्स होते हैं। इसके अलावा जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम जो हैं वो शिफ्ट में भी वर्क करते हैं और 8 आवर्स के शिफ्ट में वर्क करते हैं। इसके अलावा इनकी ड्यूटी एक्सचेंज में भी लगी रहती है दोस्तों, तो कहीं कहीं एक्सचेंजेज में भी 24/7 की ड्यूटी रहती है, तो वहाँ भी ये शिफ्ट में वर्क करते हैं। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं दोस्तों, TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम नॉर्मली एक स्टेशन पे, अगर कोई छोटा स्टेशन है तो वहाँ एक ही TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम पोस्टेड होता है, और नॉर्मली एक TCM के साथ एक हेल्पर भी पोस्टेड होता है वहाँ पे। तो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है रेलवे का। दोस्तों अब आइए देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों हमने सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी देखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल वाले वीडियो में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ भी रफली मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ बेसिक सैलरी लेवल 2 में आते हैं, इसलिए 19,900 होती है दोस्तों। इसके अलावा DA मिलता है उन्हें 9% ऑफ बेसिक, तो वो 1791 के आसपास हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सिटीज़ में 1350 होता है, अदर लोकेशंस पे 900 का होता है। HRA मिलता है डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में रहते हैं वो, 24%, 16% और 8% ऑफ बेसिक है, अलग अलग लेवल्स हैं। इसके अलावा यहाँ भी इन्हें ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है दोस्तों, 500 रुपीज़ पर डे मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस अगर ये 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं। तो रफली सैलरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम की सेम ही होती है। एक तरह से देखा जाए तो जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 होंगे दोस्तों, उनकी सैलरी रफली यही होगी। इसके अलावा देखते हैं हम प्रमोशन एवेन्यूज कैसा रहता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम का। प्रमोशन में दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनने में नॉर्मली 3 ईयर्स का टाइम लगता है, और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो ट्रेड टेस्ट पास होने के बाद ये टेक्नीशियन ग्रेड 2 बन जाते हैं दोस्तों, जो कि पे बैंड 4 में आता है, और यहाँ बेसिक 25,500 होती है दोस्तों। इसके अलावा उसके 3 साल बाद रफली टेक्नीशियन ग्रेड 1 बन जाते हैं, और यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है दोस्तों। उसके 3 या 4 साल बाद MCM बन जाते हैं दोस्तों,
और यहाँ पेमेंट 6 में आ जाते हैं दोस्तों, जिसकी बेसिक 35,400 होती है। दोस्तों ये जो प्रमोशन चैनल है इसका टाइमिंग डिफ़र कर सकता है रेलवे टू रेलवे और डिवीजन टू डिवीजन, तो मैंने जो 3 ईयर्स का टाइमलाइन दिया है वो वेरी कर सकता है दोस्तों। अब MCM से JEE टेली बनने के लिए इन्हें रेलवे के इंटरनल एग्ज़ाम्स देने होते हैं दोस्तों, और इंटरनल एग्ज़ाम्स देने के बाद ही JEE टेली बन जाते हैं। यहाँ MCM और JEE टेली की लगभग पे स्केल सेम ही होता है। उसके बाद JEE टेली से SSC टेली बनने में भी लगभग 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है दोस्तों। तो ये था रफली प्रमोशन स्ट्रक्चर जो TCM ग्रेड 3 टेलीकॉम कहाँ तक पहुँच सकता है और क्या क्या पेमेंट सैलरी स्ट्रक्चर है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि रेलवे से रिलेटेड सबसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।